मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया है कि सर प्रश्नावली 10B का क्वेश्चन नंबर 12 बताइए और 13 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर, देखिए इसमें चित्र हमने बनाया नहीं है, वृत्त चित्र बना देते हैं हम। तो देखिए एक जो है वृत्त है, मान के चलिए कि आपका एक वृत्त है और इस पे जो है एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा पर ए बी है और ये जो है सी है और ये जो है आपका देखिए ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है, ठीक है। ए बी सी बिंदु है और ये जो है आपका डी है और ये आपका ई है, ठीक है। ये दिया हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है एंगल है, ये जो है आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए ए पर जो है स्पर्श रेखा, ए पर स्पर्श रेखा डी ए ई है, ठीक है, खींची गई है। वृत्त के अंतर्गत एक जो है त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है, एक त्रिभुज ए ए बी सी इस प्रकार है कि जो है कोण सी ए ई, कोण सी ए ई यानी कि ये वाला कोण 70 डिग्री है। तो जो है कोण ए बी सी की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी सी की माप बताना है, कोण ए यानी कि कोण ए बी मैंने ए बी सी यानी कि इस कोण का माप बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग एक प्रमेय है कि वृत्त के जो एकांतर कोण होते हैं ना, वृत्त में वृत्त के जो एकांतर खंड के कोण, एकांतर वृत्त खंड के कोण, एकांतर वृत्त खंड के कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो है प्रमेय है, तो इस प्रमेय के हिसाब से हम लोग कोण, अगर कोण ए 70 डिग्री है तो कोण बी भी जो है क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये जो है प्रमेय होता है। ये जो है प्रमेय आप प्रमेय नंबर 3 में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे चूंकि कोण सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण, चूंकि एकांतर इसको प्रमेय नंबर 3 से आप रेफर कर सकते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण, वृत्त खंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण सी ए ई बराबर होगा कोण सी ए कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण ए बी सी बराबर भी होगा 70 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा सा कठिन भी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त पर बिंदु पी से पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एल एन रेखा वृत्त को बिंदु यम पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एल धन एल एम, कोण पी एल धन एल एम बराबर है पी एन धन एन एम के, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। इसका फंडा समझ लीजिए कैसे सिद्ध करेंगे, विशेष रूप से इसका जो है थ्योरी समझ लीजिए। देखिए इसको जो है सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि पी से जो है ए पी और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए पी बराबर होगा पी बी के, ठीक है। अब देखिए अगर ए पी बराबर है पी बी के तो इतना और इतना दोनों का योग बराबर होगा, इतना और इतना का योग बराबर होगा, ठीक। तो इतना यानी कि ए एल धन
एल पी बराबर होगा बी एन धन एन पी के होगा। अब इसमें देखिए एन से एन बिंदु से ये जो है एन बी और एन एम क्या है स्पर्श रेखाएं हैं बी पर और एम पर, तो ये आपस में बराबर होगी। तो इतना धन इतना बराबर होगा बी एन बराबर होगा एम एन के, तो बी एन के जगह पे हम लोग एम एन रख सकते हैं। और फिर ए एल बराबर होगा एल एम के, तो फिर इसमें जो है ए एल के जगह यहाँ पर एल एम रख सकते हैं, जोड़ देंगे तो फिर जो हम लोग को क्या इतना धन इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना धन एम एन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये आपका जो है प्रश्नावली 10B का कौन सा सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो चित्र हम लोगों को यही दिया गया है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त पे जो है पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो है खींची गई है। पी बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं हैं, मान के चलिए कि एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे जो है आपका ए बिंदु है और यहाँ पे जो है एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, इसको जो है एल कह रहा है, यहाँ पे जो टच कर रही है ये एम है और ये जो है एन है और ये पी है और यहाँ पे जो है आपका बी है। ठीक है, और ये जो है वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोगों को दिया है, सबसे पहले इसमें हम लोगों को लिखना रहेगा कि दिया है, हल में हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग को यही ना दिया गया है कि पी से पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है, पी से पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है और क्या स्पर्श रेखा है, यल यन रेखा वृत्त को बिंदु यम पर स्पर्श करती है और यल यन भी बिंदु यम पर जो है क्या करती है, स्पर्श करती है, ये भी जो है एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यल यन यल यन बिंदु यम पर स्पर्श है, ये भी जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है। अब हम लोग जो है क्या सिद्ध करना है, ये भी लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या पी एल धन एल एम बराबर है पी एन धन एन एम के। ठीक है, एन एम के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग जो है सिद्ध करेंगे। तो उपपत्ति में लिखेंगे हम लोग उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि पी से जो है पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि चूंकि पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो देखिए पी ए तथा पी बी अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखाएं जो है आपस में बराबर होती है, ऐसा एक प्रमेय है, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा। ऐसा एक प्रमेय है ना कि स्पर्श रेखाएं जो है स्पर्श बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होती है, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के, पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होते हैं, ये लिख देंगे। अब देखिए चूंकि पी ए बराबर है पी बी के, ठीक, तो जब पी ए बराबर है पी बी के तो हम लोग लिख सकते हैं
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर ए एल धन एल पी लिख सकते हैं, ए एल धन एल पी लिख सकते हैं पी ए बराबर। अब पी बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बी एन धन एन पी, बी एन धन एन पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कि ए से लेकर पी तक तो बराबर है बी से लेकर पी तक, तो ए एल इसी का टुकड़ा है और एल पी इसी का टुकड़ा है, तो ये दोनों जो है का योग बराबर होगा, होगा। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है चूँकि एल एम देखिए, अब चूँकि ए एल भी स्पर्श रेखा है और एल एम भी स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे ए एल और एल एम, एल से स्पर्श रेखा है, चाहे एल बिंदु से, अब लिखेंगे हम लोग कि एल बिंदु से, एल एल बिंदु से, एल बिंदुआ से जो है ए एल और एल एम, ए एल और एल एम, एल एम है, एल एम स्पर्श है, स्पर्श स्पर्श रेखा है, रेखा है, अतः जो है क्या हो जाएगा, ए एल बराबर हो जाएगा एल एम के, ए एल बराबर हो गया एल एम के, इसको समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि एन से जो है एन बी और एन एम जो है क्या स्पर्श रेखा है, अब फिर लिखेंगे चूंकि एन से, चूंकि एन बिंदु से, चूंकि एन बिंदु से कौन सी, एन बी और एन एम, एन बी और एन एम, एन एम स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं जो है क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसलिए एन बी, इसलिए एन बी बराबर होगा एन एम के, बराबर होगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से जो है, समीकरण नंबर 2 और 3 का मान अगर हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 से पता चल रहा है कि ए एल बराबर है किसके, एल एम के, ए एल बराबर है एल एम के, यहाँ पे ए एल दिया हुआ है तो ए एल के जगह पे हम लोग एम रख सकते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पे देखिए एन बी बराबर है एन एम के, तो एन बी बराबर है एन बी, ये एन बी चाहे बी एन बराबर है एन एम के, तो एन एम हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि जो है एल एम, देखिए यही ना सिद्ध करना है, एल एम अधन पी एल, तो एल एम अधन पी एल आराम से आ जा रहा है, और यहाँ पे जो है पी एन धन एन एम, तो एन एम भी आराम से पी एन है दिया है, आई एन एम यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर हम लोग 1 और 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ए एल के जगह पे अब हम लोग रख देते हैं एल एम, तो यहाँ पे लिख देंगे एल एम अधन ए एल के जगह पे एल एम रख दिया, और एल पी तो रहेगा ही रहेगा, तो एल पी, ठीक है, तो एल एम धन एल पी हो गया। आ इधर क्या हो जाएगा, बी एन के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे एन एम, तो यहाँ पे रख देते हैं एन एम, अधन में जो है ये एन पी है तो एन पी रहेगा ही रहेगा, रहेगा, तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था कि एल एम धन एल पी बराबर हो गया एन एम धन एन पी के, ठीक है, तो इतना बराबर है इतना के, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हम लोगों को कि इतना, ठीक है, या हम लोग इसी बात को इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पी एल धन, यही ना है पी एल, चाहे एल पी चाहे पी एल लिखिए, पी एल लिखेंगे तो ज़्यादा
सुटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यह लग रहा है कि कोण पी है, ठीक है ना। तो पी एल आ धन एम एल लिखिए, एम एल तो पी एल धन एम एल बराबर हो जाएगा। हाई सही फार्म में है तो एन पी किस किस फार्म में इसमें दिया गया है, पी एन धन एन एम, तो पी एन धन एम एम कर दीजिए, पी एन अधन एन एम, ठीक है, ये सही फार्म में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इति सिद्धम। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को सवाल ये समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के चाहे हाई स्कूल के डॉक्टर मनोहरे के सभी जो है सवाल इस चैनल पे बताए गए हैं, और इसके अतिरिक्त आप जो भी कमेंट करेंगे उस सब का जो है जवाब हम जरूर बताएंगे। डॉक्टर मनोहरे के सवाल हो या चाहे एनसीईआरटी का सवाल हो, आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपने आसपास के लोगों का।